sources. The cabinet reshuffle is to take place tomorrow. That's according to sources. Also, the sources are telling us that the reshuffle will take place just before Prime Minister Narendra Modi leaves for tour to four African nations on Thursday. Let's get in more on that. I'm joined by a moment correspondent Sudhakar Das. Sudhakar, before Prime Minister leaves for Africa on the four-nation tour, the cabinet reshuffle is what sources have been telling you, that the cabinet reshuffle will take place tomorrow. Give us the latest on that. जी बिल्कुल नैन्सी, अभी ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और निश्चित तौर पे काफी वक्त से इसके लिए स्पेकुलेशन से इंतजार भी किया जा रहा था, लेकिन हाईली प्लेस सोर्सेस ने डीडी न्यूज को कंफर्म किया है कि कल यानी मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कैबिनेट का रिशफल करेंगे. देखना पड़ेगा क्या कुछ इसमें नित्य निकल के आता है, क्या कितने इंडक्शंस होते हैं, लेकिन इसके लिए जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो राष्ट्रपति भवन को जाता है और उसके बाद तमाम जो पक्षों को जिन लोगों को नए मंत्रियों को शपथ लेनी है, वो तमाम ऑफिशियल कार्रवाई जो है इस वक्त चल रही है और आज ये कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी. लेकिन हाईली प्लेस्ड सोर्सेस ने डीडी न्यूज को ये जरूर कैबिनेट का रिशफल किया जा रहा है. सुधाकर, आर यू पिकिंग अप एनीथिंग एज टू एनी चेंजेस दैट आर एक्सपेक्टेड? देयर आर रिपोर्ट्स सजेस्टिंग द लीडर्स फ्रॉम पंजाब उत्तराखंड आर लाइकली टू गेट सम बर्थ्स. और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मसले को लेकर पार्टी अध्यक्ष भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के अलावा सीनियर लीडर्स से लगातार विचार विमर्श किया है, कंसल्ट किया है. हमको याद है नैन्सी, पिछले महीने जब सरकार के दो वर्ष पूरे होने के मौके पर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने भी कहा था कि जल्द ही कैबिनेट में फेरबदल की संभावना है और उसके बाद आज ये खबर आई है. जरूर जो राजनीतिक आने वाले में समय में राजनीतिक तौर पे भाजपा के लिए मुफीद होगा, चाहे चुनावों के नजरिए से, राज्यों में पार्टी को मजबूत करने के नजरिए से, ये जरूर कहा जा रहा है कि वो तमाम कदम उठाए जाएंगे. लेकिन दो चीज जिनका बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाने वाला है कैबिनेट के फेरबदल या उसमें ये कह सकते हैं, एक तो कंटिन्यूटी, जो सरकार के कार्यक्रम चल रहे हैं वो कंटिन्यू किस तरह से रह पाए, और साथ ही साथ परफॉर्मेंस एक मसला तो जरूर रहेगा. ये इन दो पैरामीटर्स पर आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी और एक व्यापक कंसल्टेशन के बाद इस नतीजे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं. हाई लेवल सोर्सेस ये कह रहे हैं. अब ये अभी अनुमान लगाना मुश्किल है कि कितने इंडक्शन होंगे, किस तरह के फेरबदल होंगे, क्योंकि सर्वानंद सोनोवाल जो अभी फिलहाल आसाम के मुख्यमंत्री हो गए हैं उनका पद खाली है. फिलहाल डॉक्टर जितेंद्र सिंह उस पद को देख रहे हैं. इसके अलावा कुछ इंडक्शन पहले से तय थे जिसके बारे में बात की जा रही थी, तो इसके अलावा क्या कुछ और भी फेरबदल की संभावना है, इसके लिए कल तक जरूर इंतजार करना पड़ेगा. लेकिन ये अभी की एक बड़ी खबर, कल कैबिनेट में फेरबदल होगा. Alright, Sudhakar Das, and we'll stay with you and keep getting the very latest on that development, that the cabinet reshuffle is to take place tomorrow, and that's what sources have told our correspondent Sudhakar Das before Prime Minister Modi leaves for four-nation African tour, where some parameters, some criterion will be kept in mind, like Sudhakar was saying before. That decision on the cabinet reshuffle will take place. We may see some changes as well in that reshuffle, and of course, we'll keep getting you more updates on that front. But